Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of unit 4. Unit 4 is from block 2 MPC 004, that is MAPC first year students. This video is for you guys. In the past video from this unit we had studied about the nature types of aggression and measurement of aggression. Today we are going to study about causes of aggressive behavior. You will get all the videos related to this unit in the description section. Kindly check the description section for the linked videos. Before I start, I would like to request you guys to please subscribe to my channel, share my videos with rest of the students so that everybody gets help out of it, and like and comment. So let us start with today's topic. अभी तक हमने aggression के बारे में पढ़ा और aggression की मैं definition आपको remind करा दूँ. Aggression होता है जब आपकी intention सामने वाले को नुकसान पहुँचाने की होती है और सामने वाले की intention वहाँ से बच के भागने की होती है, तो उसको हम aggression कहते हैं. Aggression में कई तरीके के हो सकते हैं. फिजिकल वायलेंस मतलब मारपीट के अलावा अगर आप उसकी उस सामने वाले की बेइज्जती करते हैं या सामने वाले की बात का जवाब नहीं देते तो वो भी एग्रेशन के अंदर ही आता है. आज हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया, जहाँ भी आप पिंक हाईलाइटर देखते हैं दैट मीन्स ये वो सेक्शन है जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है और आगे भी आएगा. तो धीरे धीरे करके हम सारे रीजंस पढ़ने वाले हैं क्या कारण हो सकते हैं किसी के एग्रेसिव बिहेवियर के. पहला है न्यूरो फिजियोलॉजिक पर्सपेक्टिव्स. न्यूरो फिजियोलॉजिक पर्सपेक्टिव्स में क्या बताया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं जिस वजह से होता है. तो जो एग्रेशन है ये एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स माना गया है जिसे ब्रेन कंट्रोल करता है. तो ऐसा कहा जाता है कि हमारा दिमाग है जो एग्रेशन को प्रोड्यूस करता है. और भी ब्रेन के अलावा जो चीज़ें रेस्पॉन्सिबल है वो है हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स की हॉर्मोनल चेंजेस आने की वजह से भी एग्रेशन होता है. न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल हैं जो हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे जितने भी नर्वस सिस्टम है वो कंडक्शन करता है, यानी इम्पल्सिस को इधर से उधर पास ऑन करता है. तो जो भी दो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स मतलब नर्वस सिस्टम के छोटे सिंगल यूनिट को हम न्यूरॉन्स कहते हैं. तो जो न्यूरॉन्स है वो एक दूसरे से जिस केमिकल से कनेक्ट होते हैं उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं. तो हॉर्मोन्स, ब्रेन और न्यूरोट्रांसमीटर एग्रेसिव बिहेवियर के लिए जिम्मेदार माने गए हैं. हमारा जो बिहेवियर है बेसिकली बायोलॉजिकल फोर्सेस के अलावा एनवायरमेंट भी कंट्रोल करता है. सो ऐसा कहा जाता है कि जो एग्रेशन है वो इननेट है, मतलब हमारा बाय बर्थ जन्म से हमारे अंदर एग्रेशन है और ये कोई सीखने वाली चीज़ नहीं है, ऐसा स्टडीज कहती हैं. फर्स्ट जो कॉज है बायोलॉजिकल कॉज उसके बारे में करेंगे. 5 स्पेसिफिक प्रोसेसेस बताए हैं, यानी जो हमारी बॉडी में होने वाले ऐसे क्या चीज़ें हैं, क्या हमारे बॉडी से रिलेटेड ऐसी कौन सी चीज़ें जो एग्रेशन को जन्म देती है. उनमें से आ जाता है ब्रेन फंक्शन नंबर 1, नंबर 2 टेस्टोस्टेरोन, नंबर 3 सीरोटोनिन, नंबर 4 बर्थ कॉम्प्लिकेशंस, नंबर 5 न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी. तो ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई ये बायोलॉजिकल कॉज है. तो इन सबको अब हम डिटेल में करेंगे कि बायोलॉजिकल कॉजेस का पहला है ब्रेन डिसफंक्शन. जब स्टडीज की गई तो ये पता चला जो एग्रेसिव क्रिमिनल होते हैं, एग्रेसिव क्रिमिनल मतलब कि जो बहुत खूंखार मारपीट करने वाले बहुत गुस्सेल क्रिमिनल्स होते हैं, उनके अंदर ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत पुअर पाई गई है. और ऐसे एविडेंस मिले हैं कि इनके न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेस्ट जब किए गए तो जो फ्रंटल और टेम्पोरल रीजन होता है ब्रेन का वो पुअर फंक्शनिंग परफॉर्म करते हुए देखे गए. तो ब्रेन का जो फ्रंटल और टेम्पोरल रीजन है वो ढंग से काम नहीं करता जो वायलेंट ऑफेंडर्स होते हैं, मतलब कि जो मारपीट करने वाले क्रिमिनल्स होते हैं. ईईजी जब किया गया, ईईजी होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, यानी कि दिमाग की कैथोड और एनोड लगा के स्टडी करना, मतलब ब्रेन में कैसी वेव्स रन करती हैं उसको हम ईईजी कहते हैं. तो वो स्क्रीन पे देखी जाती है एंड उससे पता लगता है. तो जो एग्रेसिव प्रिजनर्स थे जितने भी उनमें ईईजी एबनॉर्मल आया है, ऐसा स्टडीज बताती हैं.
जो एग्रेसिव साइकोपैथ थे, एग्रेसिव साइकोपैथ मतलब कि जो मारपीट करते हैं और साइको टाइप के होते हैं, मतलब कि उनको कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जो दूसरों पे इतनी बुरी तरह से जुल्म करते हैं कि सामने वाला के दर्द का उसको एहसास नहीं होता, उनको साइकोपैथ कहते हैं। तो जो एग्रेसिव साइकोपैथ होते हैं वो उनमें बहुत स्लो ईईजी वेव्स दिखाई दिए हैं, मतलब जो नॉर्मल इंसान में जैसे वेव्स होती हैं उसके कंपेरिजन में बहुत स्लो ईईजी वेव्स दिखाई देती हैं। एक और जो एविडेंस मिला है वो ब्रेन इमेजिंग की स्टडी से भी मिला है। जो एग्रेसिव प्रिजनर्स होते हैं वो उनमें जो प्री फ्रंटल रीजन होता है ब्रेन का, उसमें ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो दिखाई दिया है। सो एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो एग्रेसिव प्रिजनर्स होते हैं उनका जो प्री फ्रंटल रीजन है ब्रेन का, उसमें ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कम होता है, और जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार होते हैं वो भी 11% रिडक्शन दिखाई दिया है प्री फ्रंटल ग्रे मैटर का उनके अंदर। तो जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार लोग होते हैं उनमें क्या पता चला है हमें, उनमें ये पता चला है कि प्री फ्रंटल ग्रे मैटर जो होता है उसका जितना वॉल्यूम होता है उसमें 11% का रिडक्शन है एज कम्पेयर टू नॉर्मल लोग जो होते हैं उनके कंपैरिजन में। जो जो अपना प्री फ्रंटल रीजन, क्योंकि प्री फ्रंटल रीजन कई बार यहाँ आया है तो इसके बारे में इन्होंने बताया कि जो ब्रेन का प्री फ्रंटल रीजन होता है वो कंट्रोल करता है हमारे इमोशनल रिएक्शन को, हमारे इमोशनल रिएक्शन को रेगुलेट करता है लिम्बिक ब्रेन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, और ब्रेन स्ट्रक्चर का जो डीपर एरिया होता है जैसे कि अमिगडाला, ये सारे वो रीजन्स हैं जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। अमिगडाला जो होता है ये भी ब्रेन का रीजन है। सो ये सारे जो रीजन्स हैं ये हमारे इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करता है, और ये अगर अबनॉर्मेलिटी हो जाती है इस रीजन में तो हम इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते ठीक से। प्री फ्रंटल रीजन जो ब्रेन का है ये उन लोगों में पुअर फंक्शनिंग करता हुआ दिखाई दिया है जो एग्रेसिव होते हैं, जो इम्पल्सिव लोग होते हैं। सो एग्रेसिव इम्पल्सिस को वो कंट्रोल नहीं कर पाता, चेक नहीं कर पाता, और इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं। दूसरा जो बायोलॉजिकल, अब मैं आपको फिर से बता दूं, हमने पहले न्यूरो फिजियोलॉजिक पर्सपेक्टिव पढ़ा, देन हमने बायोलॉजिकल कॉजेज, बायोलॉजिकल कॉजेज में हमने पहला ब्रेन फंक्शन कर लिया, अब हम सेकंड टेस्टोस्टेरोन के ऊपर जा रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन ये मेल हार्मोन माना जाता है। जो एग्रेसिव एंड वायलेंट ऑफेंडर्स होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल से, बहुत नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आया है, मतलब कि टेस्टोस्टेरोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्रेसिव बिहेवियर। जो फीमेल क्रिमिनल्स होती हैं उनमें भी ये पता चला है कि जब उनका मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा होता है तो जब प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी कम हो गई होती है तब ये ज़्यादा क्राइम कमिट करती हैं, यानी कि औरतें गुस्सा, महिलाएं गुस्सा तब ज़्यादा दिखाती हैं जब उनकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का कॉन्टेंट कम होता है। और जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, इनके जो मेंस्ट्रुअल फेज का एक पार्ट है ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का मतलब होता है जो ओवरीज होती हैं ओवरीज से जब एग रिलीज होता है, सो जब ओवरीज से एग रिलीज होता है उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन के टाइम पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है, और जब ये लेवल इनका हाई होता है तो उस टाइम पे इनका एग्रेशन जो है वो रिड्यूस्ड होता है, एग्रेशन कम हो गया होता है। एक और स्टडी ने ये भी बताया है कि जो वेट लिफ्टर्स होते हैं वो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स जब ले लेते हैं तो उस वजह से ये बहुत एग्रेसिव हो गए होते हैं एंड हॉस्टाइल रिएक्ट करते हैं। अगर हम नॉर्मल मैन जो है उसको टेस्टोस्टेरोन दे दें तो वो इरिटेबल फील करता है एंड हॉस्टाइल फील करता है। तो ये कुछ स्टडीज हैं जिससे हमें ये कुछ फैक्ट सामने आए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीरोटोनिन। सीरोटोनिन को हैप्पीनेस हार्मोन भी कहते हैं। सो जो एग्रेसर्स होते हैं उनमें इस न्यूरोट्रांसमीटर का कंटेंट बहुत कम पाया गया है, मतलब जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है उनमें सीरोटोनिन कम रिलीज होता है। सोशल डोमिनेंस जो होता है वो सीरोटोनिन इन्फ्लुएंस करता है। सीरोटोनिन का लेवल जो है वो सोशल डोमिनेंस को इन्फ्लुएंस करता मंकीज़ में,
हमने ये चीज़ मंकी, ये कार्लसन की स्टडी है 1998 की, उन्होंने ये बताया कि जो मंकीज़ हैं उनमें जो सीरोटोनिन का लेवल है वो उनका सोशल डोमिनेंस को इन्फ्लुएंस करता है. अगर कोई अल्कोहल कंजम्पशन करता है तो वो भी इस पे असर डालता है. और भी स्टडीज़ ये भी कहती हैं, बर्थ कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करते हैं ये. अच्छा, बर्थ कॉम्प्लिकेशन अगर आप देखें तो इन्होंने ना इसको सब कैटेगरी नहीं बनाया, जबकि ऊपर आप अगर हेडिंग देखें यहाँ पे बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ये देखो सीरोटोनिन के बाद बर्थ कॉम्प्लिकेशन इन्होंने अलग से दिया है. तो आप यहाँ पे इन्होंने पैराग्राफ यहाँ मिक्स कर दिया, लेकिन जब बर्थ कॉम्प्लिकेशन की बात आती है तो आप अलग हेडिंग डाल के लिखिएगा, ये फोर्थ पॉइंट माना जाएगा. तो बर्थ कॉम्प्लिकेशन के बारे में ये बता रहे हैं कि जो बर्थ कॉम्प्लिकेशन है ये भी एसोसिएटेड है आगे चल के जो बच्चा एग्रेसिव बिहेवियर जब शो करता है वो इस वजह से भी होती है जब बर्थ कॉम्प्लिकेशन हुई होती है. और एडल्ट्स में भी क्रिमिनल एक्टिविटी देखी गई है जिनके केस में बर्थ कॉम्प्लिकेशन पाई गई है. स्टडीज़ ये भी कहती है कि सिर्फ अकेला बर्थ कॉम्प्लिकेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बहुत कम केसेस में ऐसा हो गया होता है कि सिर्फ बर्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से एग्रेशन या वायलेंस देखी गई है. अदरवाइज अकेला बर्थ कॉम्प्लिकेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता एग्रेशन और वायलेंस के लिए. तो बर्थ कॉम्प्लिकेशन के अलावा और क्या चीज है फिर, अगर सिर्फ बर्थ कॉम्प्लिकेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो? दूसरा चीज ये है कि अगर वो इंसान बर्थ कॉम्प्लिकेशन के अलावा उसकी लाइफ में फैमिली एनवायरनमेंट खराब हो, डिसएडवांटेज्ड फैमिली एनवायरनमेंट हो, पुअर पेरेंटिंग हो, तो ये साइकोसोशल रिस्क फैक्टर माने गए हैं. मतलब साइकोसोशल रिस्क फैक्टर में क्या आता है, डिसएडवांटेज्ड फैमिली एनवायरनमेंट एंड पुअर पेरेंटिंग, ये दोनों साइकोसोशल रिस्क फैक्टर्स हैं. तो अगर साइकोसोशल रिस्क फैक्टर बर्थ कॉम्प्लिकेशन के साथ कंबाइन हो जाए तो एग्रेसिव बिहेवियर चाइल्डहुड एंड आगे क्रिमिनल एक्टिविटी भी बच्चों में देखी गई है आगे एडल्ट होने पर. जो स्पेसिफिक बर्थ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, जैसे कि फोरसेप्स डिलीवरी हो गई, फोरसेप डिलीवरी जब होती है तभी भी ऐसे ही होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो डैमेज हो गया होता है और उस वजह से जो ब्रेन फंक्शन है उसका वो इम्पेयर्ड हो जाता है और इस वजह से आगे जाके वो इंसान एग्रेशन शो करता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. अगर ये क्या है, अगेन मैं आपको बता दूं, ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हम कर रहे थे ऊपर बायोलॉजिकल कॉजेस, इसी का ही फिफ्थ है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. हमने ब्रेन डिसफंक्शन पढ़ा, टेस्टोस्टेरोन पढ़ा, सीरोटोनिन पढ़ा, बर्थ कॉम्प्लिकेशन पढ़ा एंड नाउ वी आर स्टडिंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में हम ये देखा गया है कि फूड एडिटिव्स खाने में, जैसे हम आजकल रेडी टू ईट वाले फूड लेते हैं उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे मिलाए जाते हैं, कभी रंग के लिए मिलाए जाते हैं, कभी स्वाद के लिए मिलाए जाते हैं, कभी एज अ प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं. तो फूड एडिटिव्स हो गए, हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज की कमी होना, कोलेस्टेरॉल हो गया या प्रोटीन की डेफिशिएंसी होना, आयरन या जिंक की डेफिशिएंसी होना, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एग्रेशन देखा गया है. जो मेल ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, अगर इसमें एक सेकंड वर्ल्ड वॉर के एंड की बात कर रहे हैं कि जर्मन ब्लॉकेड ऑफ फूड के बारे में बात कर रहे हैं टू हॉलैंड. तो जर्मनी से जब फूड नहीं भेजा जा रहा था हॉलैंड में, तो उसमें वहाँ देखा गया कि जो मेल ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको स्टार्व किया जा रहा था, मतलब खाने को नहीं मिल रहा था. तो ऐसे बच्चे 2.5 टाइम्स ज़्यादा एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार निकले एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल बच्चे थे. सो इससे ये पता चलता है कि अगर माँ जो बच्चे को जन्म देने वाली है उसको अगर ढंग से आप डाइट नहीं देंगे तो बच्चा आगे जाके एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है. अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो वो डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है एग्रेसिव बिहेवियर और कंडक्ट डिसऑर्डर के लिए, यानी मदर को आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए एक्सपेक्टिंग मदर को. अगेन अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये भी एग्रेसिव बिहेवियर देखा गया है बच्चों में भी और जानवरों में भी, मतलब जानवरों में भी जिंक की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए.
अगर अर्ली माल न्यूट्रिशन है बच्चे को, मतलब बच्चे ने जन्म तो ले लिया लेकिन उसको ढंग से खाने को नहीं मिल रहा है, तो वो भी इम्पैक्ट करता है ब्रेन की ग्रोथ और डेवलपमेंट में. और जब ब्रेन इम्पेयरमेंट हो जाता है तो वो इंडिविजुअल जो है वो एंटी सोशल एंड वायलेंट बिहेवियर को शो करता है और उसके कॉग्निटिव फंक्शंस पे भी इसका असर पड़ता है. ऐसी स्टडीज जो की गई थी उससे पता चला है. नाउ नेक्स्ट फैक्टर, जैसे हमने न्यूरो फिजियोलॉजिकल फैक्टर पढ़ा, देन बायोलॉजिकल कॉजेज पढ़ा, अब है एनवायरमेंट एंड जीन्स कैसे रिस्पॉन्सिबल है. ट्विन एंड एडॉप्शन स्टडीज जो की गई वो ये सजेस्ट करती हैं कि एनवायरमेंटल इफेक्ट और मॉडरेट नॉन शेयर्ड एनवायरमेंटल इफेक्ट या मॉडेस्ट जेनेटिक इफेक्ट इन ये ऐसे ऐसे अफेक्ट करता है. मतलब कि एनवायरमेंट ज़्यादा स्केल पे असर डालता है बच्चे के ऊपर, जो फैमिली का एनवायरमेंट है वो मीडियम लेवल पे डालता है, और जेनेटिक इफेक्ट जो है वो मॉडेस्ट, मतलब बहुत कम असर डालता है. जो ट्विंस के ऊपर स्टडी की गई थी एडोलेसेंट डिलिक्वेंसी की, एडोलेसेंट डिलिक्वेंसी मतलब एंटी सोशल बिहेवियर जो एडोलेसेंट्स में देखा जाता है, तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस थे उनमें 87% देखा गया है और डाइजाइगोटिक ट्विंस में 72% देखा गया है कि उन पे असर पड़ता है. जो जेनेटिकली वनरेबल चिल्ड्रन होते हैं उनके जो बर्थ पेरेंट्स होते हैं अगर वो एंटी सोशल थे तो बच्चों पे भी इस चीज़ का असर पड़ता है, और अगर वो अनफेवरेबल फैमिली कंडीशंस में पले बड़े हैं तो भी बच्चों पे इस चीज़ का असर पड़ता है. जेनेटिक एलिमेंट की बात करें तो वो भी स्ट्रॉन्गली अफेक्ट करता है एडल्ट क्रिमिनेलिटी को, और जो चाइल्डहुड कंडक्ट डिसऑर्डर या डिलिक्वेंसी भी बच्चों में इस लेवल पे देखी गई है अगर जीन्स इस तरह से भी असर डालते हैं. नाउ फोर्थ पॉइंट इज पेरेंटल रेयरिंग स्टाइल. माता पिता कैसे बच्चों को एंटी सोशल या एग्रेशन में डाल देते हैं. 5 एस्पेक्ट्स हैं पेरेंट्स किस तरह से बच्चों को की ब्रिंगिंग अप कर रहे हैं. पहला है पुअर सुपरविजन, यानी ढंग से उन पे ध्यान ना देना. सेकंड है एरेटिक और हार्श डिसिप्लिन, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होना बच्चों के साथ. थर्ड है पेरेंटल डिसहार्मनी, अगर माता पिता आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं. फोर्थ है रिजेक्शन ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड को एक्सेप्ट ही नहीं करते, ना माँ ध्यान देती है ना पिताजी ध्यान देते हैं, किसकी औलाद क्यों आ गया ऐसा करते हैं वो. एंड लो इन्वॉल्वमेंट इन चाइल्ड्स एक्टिविटीज, बच्चों की एक्टिविटी में कम इन्वॉल्व होना, ये सारे पेरेंटल रेयरिंग स्टाइल के अंदर आते हैं. सो फर्स्ट है पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन पैटर्न. जो एग्रेसिव बिहेवियर होता है चिल्ड्रन में वो इन्फ्लुएंस हो जाता है कि किस तरीके से माता पिता उसकी तरफ बिहेव कर रहे हैं. अगर एंटी सोशल फैमिलीज हैं तो एंटी सोशल चाइल्ड भी हो जाएगा. जिस फैमिली में एंटी सोशल चाइल्ड है उसमें पेरेंट्स जो हैं इस तरीके के बिहेवियर जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकते नहीं हैं, वहाँ पे ऐसा देखा गया है. अगर पेरेंट्स एनकरेज करें कि पोलाइट बिहेवियर शो करना है एंड उसके बच्चे का जो मिसकंडक्ट है उसको पे अगर उसको रोकेंगे तभी जाके बच्चा ठीक रहेगा. नहीं तो ऐसे फैमिलीज जहाँ पे इनकी इस तरह की एक्टिविटीज़ को रोका नहीं जाता वहाँ बच्चा एंटी सोशल हो जाता है. सो ऐसे बिहेवियर को जनरली पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं, और इस बच्चा अगर चिल्लाता है टेंट्रम शो करता है तो पेरेंट्स जल्दी से उसकी तरफ अटेंशन शो करने लगते हैं, तो बच्चे को एक तरीका पता चल जाता है कि कैसे उसको अटेंशन लेनी है और कैसे अपना काम करवाना है चिल्ला चुल्लू के. तो ये एक गलत तरीका है, इस वजह से बच्चे एंटी सोशल बन जाते हैं. और अनरेस्पॉन्सिवनेस जो होती है, बच्चा कुछ बोल रहा है और पेरेंट्स अनरेस्पॉन्सिव हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं, उसकी इमोशनल नीड्स को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो भी बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है और आगे जाके एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है. नेक्स्ट है पेरेंटल इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रंस इमोशंस एंड एटीट्यूड्स. तो इसमें बताया गया है अगर आप इन्फेंसी से देखें
और या टॉडलर्स को देखें जिसमें कंडक्ट प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती है. सो इनमें जो अटैचमेंट पैटर्न जो होता है वो डिसऑर्गेनाइज होता है. तो वो बच्चे जो कंडक्ट प्रॉब्लम शो करते हैं वो वाले बच्चे होते हैं जिनका अटैचमेंट पैटर्न में प्रॉब्लम आती है. यानी कि उस बच्चे को या तो गुस्सा होता है या डर होता है या वो किस तरीके से डिसअपॉइंटेड होता है, डिस्ट्रेस्ड फील करता है. तो उनको डर होता है अपने पेरेंट्स से सेपरेट होने का, या वो किसी वजह से पेरेंट्स से बहुत टाइम तक सेपरेट रहे हो, कुछ टाइम तक उन्हें सेपरेट कर दिया गया अपने माता पिता से. ऐसे बच्चे कंडक्ट डिसऑर्डर शो करते हैं. ऐसे बच्चे डरा हुआ भी फील करते हैं. उनके पेरेंट्स अगर अनअवेलेबल हैं, या ऐसे पेरेंट्स हैं जो हमेशा डराते धमकाते रहते हैं, या पेरेंटिंग इनकंसिस्टेंट है, ठीक से नहीं की जा रही, तो भी बच्चे एग्रेशन शो करते हैं. इन्फेंट का जो अटैचमेंट होता है उसकी सिक्योरिटी पहले से ही पता लगाई जा सकती है जब आप ये देखेंगे कि जो बच्चे की माँ है बच्चे को जन्म देने से पहले उसके खुद के पेरेंट्स के साथ किस तरीके के रिलेशनशिप थे. अगर मदर का अपने खुद के पेरेंट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है और उसकी इमोशनैलिटी डिस्टॉर्टेड है माँ की, तो ये बच्चे के अंदर ये चीज़ आना जायज़ है और आगे जाके आएगा. मिडिल चाइल्डहुड में अगर बात करें तो जो एग्रेसिव चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं. वो लोगों की फीलिंग्स को जज नहीं कर पाते, उनको मुश्किल होती है लोगों की फीलिंग्स को जज करने में, हॉस्टाइल हो जाते हैं और उनका एक ही कंक्लूजन हो जाता है हर चीज़ का कि कोई भी कन्फ्लिक्ट होगा तो उसका सोल्यूशन क्या है कि लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना. तो कोई कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन ऐसे बच्चे नहीं निकाल पाते. तो जल्दी से ये ऑफेंडेड हो जाते हैं. जरा सी भी उनको अपॉर्चुनिटी मिले, कोई उनको कुछ बोल दे या धक्का ही लग जाए गलती से, तो वो उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है लड़ाई झगड़ा करने के लिए. और किस तरह से गलियों में जैसे अपने झगड़े वगड़े देखे हैं उसी की बात कर रही हूँ मैं, उस तरह के लड़ाई झगड़े इसी तरीके से शुरू हो जाते हैं. तो इस वजह से जब इस तरह के बच्चे बिहेव करने लगते हैं तो इनका जो सेल्फ एस्टीम होता है बड़ा फ्रजाइल सा हो गया होता है. यानी ज़रा सा कोई कुछ बोल दे तो इनको बड़ा चुभ जाती है बात, और इनका वर्ल्ड को लेकर बड़ा कन्फ्रंटेशनल व्यू होता है कि भाई डरा धमका के ही उनका काम बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा. तो जब ये आगे साल बढ़ते जाते हैं तो ये फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, फेलियर को महसूस करते हैं, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं और आगे जाके एंटी सोशल बन जाते हैं, वायलेंट बिहेवियर शो करने लगते हैं और खुद के लिए कुछ अच्छा नहीं बना पाते और ना ही अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं. नेक्स्ट है डिफ़िकल्टीज विथ फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स एट स्कूल. सो फ्रेंड्स के साथ डिफ़िकल्टी होना या स्कूल में डिफ़िकल्टी होना, ऐसे बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम आती है. ये बच्चे अक्सर आप देखेंगे कि जब ये किसी स्किल में अच्छे नहीं होते, इनमें कोई स्किल नहीं होती और अगर इनको कोई कुछ बोल दे तो ये बड़े जल्दी अपसेट हो जाते हैं और एग्रेसिव हो जाते हैं. अगर इनके दोस्त जो पीयर है, पीयर ग्रुप है, अगर इनको रिजेक्ट कर देता है तो ये ऐसे बच्चों के साथ चले जाते हैं जो एंटी सोशल बच्चे होते हैं, उनके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, उनकी वैल्यूज सीखना शुरू कर देते हैं. इनको कुछ समटाइम्स हम ये भी देखते हैं, अगर स्कूल में ये बच्चे पढ़ ठीक से रीडिंग नहीं कर पाते तो ये स्कूल को ढंग से पूरे अच्छे से पढ़ लिख के पास नहीं कर पाते और ये अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं और आगे जाके एग्रेसिव बिहेवियर में इंडल्ज हो जाते हैं. नेक्स्ट है प्री डिस्पोजिंग चाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे कि आपने देखा है ADHD के बारे में पढ़ा होगा, मैंने भी अपने वीडियोस बनाए हैं, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, ADHD का पूरा टॉपिक ही आपको मिल जाएगा. अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे हाइपर एक्टिविटी भी कह देते हैं जनरली. ऐसे बच्चे रेस्टलेसनेस शो करते हैं, इम्पल्सिव पैटर्न शो करते हैं अपने बिहेवियर में, और ये शुरू से ये एग्रेसिव नहीं होते लेकिन टाइम के साथ ये एग्रेशन इनका बढ़ता जाता है. कहीं पर भी अगर कहीं इनको लाइन में लगने के लिए बोला जाए या गेम्स में टर्न की बात की जाए तो इनको बड़ी मुश्किल होती है टर्न लेने में और ये जल्दी से लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं. डिलिक्वेंट बच्चों का ऐसा देखा गया है, अगर आप IQ टेस्ट करेंगे तो एक लॉ अबाइडिंग जो इसके इनके ग्रुप के बच्चे होंगे उनके कंपैरिजन में इनका IQ 8 to 10 पॉइंट्स कम होता है एंड ये जल्दी से एग्रेसिव बिहेवियर में उतर आते हैं.
दूसरे जो ट्रेड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं कंडक्ट प्रॉब्लम में, उसमें आता है इरिटेबिलिटी, ये बड़े इरिटेबल इरिटेबिलिटी शो करते हैं, एक्सप्लोसिवनेस इनमें दिखाई देती है, इनका सोशल अवेयरनेस में कमी है, सोशल एंग्जाइटी भी इनमें होती है बहुत ज़्यादा, और हमेशा इनका बिहेवियर इस तरह का होगा रिवार्ड सीकिंग, मतलब वो तभी कोई काम करेंगे जब उनको कुछ फ़ायदा होगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे। गलत सही का इनसे इन्हें कोई लेना देना नहीं होता, इनको सिर्फ अपने फ़ायदे की लगी होती है। जब ये बच्चे आगे जाके बड़े होते हैं तो इनका जो एनवायरनमेंट है वो भी डिटरमाइन करता है कि इनका आगे जाके बिहेवियर कैसा होगा और इनकी चॉइसेस कैसी होंगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनकी जो संगति होती है वो इनका एनवायरनमेंट डिसाइड करता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि इनका एनवायरनमेंट की वजह से इनका बिहेवियर चेंज होता है, कभी कभी इनके बिहेवियर की वजह से ये ऐसा एनवायरनमेंट चूज करते हैं जो इनके लिए खतरा बन गया होता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स। तो एक बार मैं फिर से वापस जाऊंगी और आपको एक रिकॉल करा दूं कि हमने कैसे कैसे कवर किया है इस चीज़ को। हमने सबसे पहले न्यूरोफिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखा, नंबर वन। सेकंड, बायोलॉजिकल कॉजेज देखे जिसकी सब कैटेगरी थी ब्रेन डिसफंक्शन, टेस्टोस्टेरोन, सेरोटोनिन, बर्थ कॉम्प्लिकेशन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये सेकंड था। सेकंड के 5 सब सेक्शंस थे। एंड देन थर्ड जो हमने देखा वो हमने एनवायरनमेंट एंड जीन्स का देखा। एनवायरनमेंट एंड जीन्स में फर्दर पढ़ने के बाद फोर्थ पॉइंट जो हमने देखा वो पेरेंटल रेयरिंग स्टाइल देखी, जिसकी फर्दर सब कैटेगरी थी पुअर सुपरविजन, इरेटिक, हार्श, ये सारी चीज़ें। एंड देन फिफ्थ हमने पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन पैटर्न देखा। फिर हमने सिक्स्थ देखा पेरेंटल इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रंस इमोशंस एंड एटीट्यूड्स, ये हमने देखा। एंड उसके बाद हमने डिफ़िकल्टी विद फ्रेंड्स एंड एट स्कूल देखा, ये 7th पॉइंट था। एंड 8th हमने प्री डिस्पोजिंग चाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देखा। और अब 9th जो है वो है एनवायरमेंटल स्ट्रेसर, जिसकी फिर सब कैटेगरी है। पहला है टेम्परेचर। इसमें ऐसा कहा गया है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इंसान एग्रेसिव फील करने लगता है। ऐसी स्टडी USA में की गई थी वेदर रिपोर्ट को देखकर। जो रिसर्चर है उन्होंने ये बोला, जब टेम्परेचर मॉडरेटली हाई था तो लोग ज़्यादा वायलेंट थे, और जैसे जैसे टेम्परेचर और बढ़ा दिया गया तो वायलेंस कम हो गई। लेकिन एक लैब स्टडी भी की गई इसी के ऊपर, इसी एक्सपेरिमेंट को और ज़्यादा अच्छे से प्रूव करने के लिए, जो बैरन एंड बेल ने की थी। उन्होंने बताया कि रूम में जब डिफरेंट टेम्परेचर पे पार्टिसिपेंट्स को रखा गया और टेम्परेचर बढ़ाया गया, और उनको ये बोला गया कि हर एक पार्टिसिपेंट को इलेक्ट्रिक शॉक देना है, तो उनको ये पता चला कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया पार्टिसिपेंट्स ने इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू कर दिया। लेकिन जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे टेम्परेचर पहुंच गया तो शॉक्स, जो इलेक्ट्रिक शॉक वो दे रहे थे, वो डिक्रीज कर दिया उन्होंने। एक और स्टडी जो हुई वो एंडरसन ने किया। उन्होंने कुछ वायलेंट एक्ट्स देखे, जैसे कि रेप, मर्डर, असॉल्ट, इन सब के बारे में देखा, और उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज करने की वजह से बड़े और ज़्यादा और ये हाई एक्सट्रीम हीट पे डिक्लाइन हो गए, ऐसा तो नहीं था। और उन्होंने एक और इसका कॉन्ट्रडिक्शन ये भी पता लगाया कि इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हॉटर कंट्रीज़ में ज़्यादा एग्रेसिव लोग रहते हैं, यह ज़्यादा एग्रेशन देखा गया है, ऐसा भी नहीं मिला। तो इसीलिए हम इस स्टडी को प्रूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्राउडिंग। अगर भीड़ भाड़ एरिया में क्या होता है, अगर हाई डेंसिटी होती है तो लोगों में लेवल ऑफ एग्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों को अनप्लीसेंट फील होता है जब उनकी पर्सनल स्पेस में लोगों की घुसपैठ उनको महसूस होती है। सो बहुत, जैसे कि आपने बहुत हाईली कंजेस्टेड जो रोड्स होती हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि लोगों में बहुत एग्रेशन देखने के लिए मिलता है। प्रिजन रायट्स भी सबसे ज़्यादा वहाँ देखे गए हैं, जो प्रिजन ओवरली क्राउडेड होता है। तो स्टडी शो करती है कि ज़्यादा एग्रेशन तब ज़्यादा मिलता है जब नर्सरी में बहुत सारे जो नर्सरी के बच्चे होते हैं उनको सबको एक साथ बहुत ज़्यादा क्राउडेड डाल दिया जाए तो वो लड़ाई करते हैं। ये जो पैटर्न है ये फैमिलीज में लेकिन नहीं पाया जाता। लोगों को अच्छा लगता है प्रॉक्सिमिटी में रहना, तो ये सजेस्ट करता है कि हाई डेंसिटी नहीं बल्कि ओवर क्राउडिंग प्रॉब्लम है। हाई डेंसिटी से लेना देना नहीं होता, ओवर क्राउडिंग अगर है तब जाके एग्रेशन बढ़ता है। तो लोगों को अपनी पर्सनल स्पेस में घुसपैठ पसंद नहीं है, लोग पसंद नहीं करते, दैट इज़ वाई ये होता है। कुछ कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं, जैसे कि अरब्स जो होते हैं वो बिल्कुल पास पास खड़े होकर बात करते हैं, और अगर आप कन्फ्रंट करेंगे तो ये एग्रेशन रिड्यूस भी हो जाता है। सो क्राउडिंग और हीट
दोनों ही फिजियोलॉजिकल अराउजल करते हैं जिसकी वजह से एग्रेशन होता है. और हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो अराउजल होता है वो क्राउड एक एग्जांपल ही है. कभी कभी क्राउड अपलिफ्टिंग भी हो सकती है, जैसे कि पार्टीज़ में, शादी वाले फंक्शन में, बारात में, तो तब क्राउड होती है, लेकिन बहुत मस्ती करते हैं लोग उसमें, तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता. सो इसीलिए हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं. नाउ लास्ट पॉइंट इज नॉइज़, जो एनवायरमेंटल फैक्टर में आती है. नॉइज़ जो होती है ये एक ऐसी अनवांटेड चीज़ है जो नेगेटिव इफेक्ट कॉज करती है, एग्रेशन कॉज करती है, खास तौर से ऐसी नॉइज़ जो अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत लाउड है. ग्लास एंड सिंगर ने स्टडी करी थी और उन्होंने बताया कि पार्टिसिपेंट्स को एक कमरे में बिठा दिया गया, उनको मैथ्स का टास्क दे दिया गया और उनको बोला कि मैथ्स का टास्क करने के बाद उनको प्रूफ रीडिंग भी करनी है. प्रूफ रीडिंग मतलब दोबारा चेकिंग करनी है. तो जब मैथ्स का टास्क दिया गया तो कुछ पार्टिसिपेंट्स को नॉइज में मैथ्स करवाई गई और कुछ को शांत वाले एरिया में करवाई गई जहाँ पे कोई नॉइज नहीं थी. उसके बाद इनको बोला गया कि आप प्रूफ रीडिंग करो. सारे के सारे पार्टिसिपेंट को प्रूफ रीडिंग तो कराई गई, लेकिन इनको बिल्कुल क्वाइट प्लेस में प्रूफ रीडिंग, यानी कि जितने पार्टिसिपेंट थे उनमें से कुछ को नॉइज में मैथ्स करवाई गई और कुछ को शांत एरिया में करवाई गई, लेकिन प्रूफ रीडिंग सबको शांत एरिया में करवाई गई. तो उससे जो हमें रिजल्ट मिला, उससे ये पता चला कि जिन लोगों ने नॉइज में मैथ्स सॉल्व की थी वो प्रूफ रीडिंग में भी गलतियां कर रहे थे, इवन इफ देवर कैप्ट इन दी क्वाइट प्लेस, शांति वाली जगह पे बिठाने के बाद भी ये लोग गलतियां कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने मैथ्स नॉइज वाली जगह पे किया था, उनकी मिस्टेक्स ज़्यादा थी. सो ये हमने स्टडी में देखा. और नॉइजेस हमने किस किस तरह की प्रोड्यूस की थी, बहुत लाउड नॉइज, रेंडम नॉइज, ऐसी नॉइज जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो तरह तरह की नॉइजेज में स्टडी की गई थी और ये कंक्लूजन निकला. तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट कॉजेज ऑफ एग्रेशन. बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हमें सब कुछ पता होना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया. आई होप मेरे वीडियोस आपको यूजफुल लगते हैं. अगर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, सो दैट सबको हेल्प मिले. सबके अपने अपनी सर्कमस्टेंसेस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी वजह से नहीं पढ़ पाते, तो अगर ये वीडियोज़ उन तक पहुँचेंगे और वो थोड़ा पढ़ पाएंगे, थोड़ी सी उन्हें हेल्प मिल जाएगी, तो बहुत अच्छा होगा. आपकी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ 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 शेयर करिए. Thanks for watching. Take care of yourself. Bye-bye.